हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। आज हम कवर करेंगे वेस्टर्न घाट्स ट्रिप का डे टू। कल शाम को हम बेल्लूर से चलकर आ पहुंचे चिकमगलूर के द ब्लॉसम रिजॉर्ट पे। पूरे रास्ते होने वाली झमाझम चलती बारिश ने मौसम को ठंडा लेकिन खुशनुमा बना दिया, पर भाई रिजॉर्ट के स्टाफ ने इस गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया कि क्या कहने। और बैकग्राउंड में पंछियों द्वारा छिड़े हुए सुर, ओहो, किसी स्वागत गीत से कम नहीं थे ये। कड़कते ठंडे वातावरण में भी सर्दी को उड़न छू करने के लिए ये समा काफी था। सुबह होते होते बरसात थोड़ी थम सी गई है। सूर्य देवता आंख मिचोली खेल रहे हैं, लेकिन जितनी भी रोशनी है हमें रोमांचित करने के लिए काफी है। ब्लॉसम रिजॉर्ट भद्रा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के घने जंगल के बीच एक बड़े कॉफी एस्टेट में स्थित है। जंगल, खेत और बगीचे का मिला जुला रूप यह खूबसूरत रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट की छत से देखने पर नजर आते हैं तीन खूबसूरत दृश्य। पहला, मीलों तक फैला जंगल। दूसरा, ये कॉफी एस्टेट। और तीसरा, खूबसूरत प्लांटेशन के बीच रिजॉर्ट की कॉटेजेस। इन सब के ठीक सामने हैं डेंस वेजिटेशन से भरी पहाड़ियां। इन पहाड़ियों और बादलों के बीच एक लुक्का छिप्पी का खेल लगातार चलता रहता है, जहां बादल उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, तेज हवा बार बार बादलों को उड़ाकर भगा देती है। तो आइए, रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट और बड़ी ग्लास विंडोज से प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के बाद चलते हैं नेचर वॉक पर। कॉफी प्लांटेशन के बीचों बीच दूर तक फैले कॉफी के इन बगीचों को हम जहां तक चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है यहां एक। इन प्लांटेशंस में मौजूद बहुतायत में लीच यानी जोंक की पॉपुलेशन, इनसे खुद को हर हाल में बचाना। इस कारण हमने भी जूते और ऊंचे सॉक्स पहने हुए हैं और पैंट्स के निचले हिस्से को मोड़कर सॉक्स में डाल रखा है, ताकि इंसानों के सिवा कोई और हमारा खून ना पी सके। कॉफी प्लांट्स करीब से बेहद सुंदर लगते हैं और ये दृश्य अपने आप में इस नेचर वॉक को बहुत ही पीसफुल बना देता है। यहां देखिए, ये हैं कॉफी सीड्स और साथ ये है काली मिर्च की बेलें, जो कॉफी प्लांट्स के बीच लगाए गए लंबे पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं। क्लाउडी वेदर में और खासकर बारिश की बूंदों से भीगने के बाद कॉफी की पत्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। अब ऐसे में इच्छा तो ये हो रही है कि दूर तक निकल जाए, मगर यहाँ रास्ते पे ये फिसलन और फिर लीच के चिपक जाने का डर। चलिए रिजॉर्ट की तरफ रुख करते हैं, जहां लंच हमारा इंतजार कर रहा है। आइए दोस्तों, ये है चिकमंगलूर की एमजी रोड का सबसे पुराना और मशहूर कॉफी प्रोसेसिंग सेंटर, पांडुरंगा कॉफी वर्क्स। यहां होती है कॉफी बीन्स की रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, चिकरी ब्लेंडिंग और पैकेजिंग। इस जगह का सबसे बड़ा हाईलाइट है इन सब प्रोसेसेस के साथ कॉफी की महक, जो पूरे एटमॉस्फेयर में घुल के दिलो दिमाग को ऐसे तरोताजा करती है मानो पूरे प्लांट विजिट के दौरान कॉफी का कप हमारे हाथ में ही धरा हो। लेकिन इस कॉफी सफर का आखिरी पड़ाव यानी
कप से कॉफी को होठों से लगाना अभी बाकी है। चलिए ये तमन्ना भी पूरी करते हैं यहीं पास में मयूरा डीलक्स रेस्टोरेंट की प्रसिद्ध कॉफी पीकर। वो कॉफी जिसकी अनुभूति किसी अर्बन कैफे में मिल रही कॉफी से कहीं बढ़कर है और कीमत मात्र 10 रुपए। जब हम कॉफी पर इतना कुछ देख ही चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि चिकमगलूर में सुवीनर या शॉप करने के लिए कॉफी से अच्छा कुछ भी हो ही नहीं सकता। जहां हमारी रिकमेंडेशन होगी फिल्टर या इंस्टेंट कॉफीज की वैरायटीज, आप और भी अलग अलग टाइप्स की कॉफीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी आज का दिन हमारे कॉफी नामे को लगाते हैं एक अल्पविराम। शाम हो चली है तो रिजॉर्ट से लगे भद्रा के जंगलों में पंछियों का वो संगीत भी तो फिर से सुनना बनता है। गुड नाइट दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में Day 3 पर, जहां पर ट्रिप का अगला पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा है।